अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक इम्पोर्टेंट अपडेट मेरे सामने आई है तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये वैलिड है आज के लिए और नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए। टेक्सास और उसके एडजेसेंट स्टेट्स जो हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल स्टॉर्म आने की न्यूज़ हैं। और इस दफ़ा जो ये तूफान आना है ये थोड़ा सा ना हैवी है, लास्ट टाइम की नस्बत भी ज़रा ज़्यादा है। आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो आप लोगों के ट्रक्स हैं, किसी भी टाइप का इक्विपमेंट है, वो आप लोगों ने टेक्सास एंड एडजेसेंट स्टेट्स में नहीं भेजना। और लाइक लुइजियाना में, मिसिसिपी में, इन जगहों पे भी इसके इफेक्ट्स आने हैं। और मैक्सिको तो चले हम काम करते ही नहीं हैं, उस साइड भी है, लेकिन इन स्टेट्स में अभी आज कल परसों और जब तक यानी कि तूफान ये ख़त्म नहीं हो जाता या उसके असरात ख़त्म नहीं हो जाते तो आप लोगों ने वहाँ पर ट्रक्स को नहीं मूव कराना। कोशिश करें कि मिड वेस्ट की तरफ, अगर आप लोगों ने आना भी है तो मतलब मिड वेस्ट की तरफ रखें अपने ट्रक्स को। और नॉर्मली जो रूट फ्लोरिडा से लेके कैलिफोर्निया तक जा रहा था वो टेक्सास से होके जाता है, तो उसको मतलब आपने अपने ड्राइवर्स को भी गाइड करें, क्योंकि पता होता है ड्राइवर्स को न्यूज़ उन तक पहुँच रही होती है लेकिन बाज़ ड्राइवर्स नहीं गौर करते। तो आपने अपने ड्राइवर को भी गाइड करना है। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने टेक्सास का रोड नहीं भी दिया हुआ तो तब भी उसके जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं उससे अपना जो रास्ता है वो तब्दील करें। राउट प्लानिंग आप लोगों ने ऐसे उसको करके देनी है कि उसको टेक्सास से ना गुजरना पड़े नेक्स्ट 2-3 डेज। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और जो लोग बाद में इस वीडियो को देखें, इस टाइम गुजरने के बाद, वो काइंडली इस पर अमल ना करें। सिर्फ अभी जो लोग देख रहे हैं आज कल और परसों में, टुडे इज़ दी 11 सितंबर 2024, तो उसके अलावा जो लोग देखें वो इस पर अमल ना करें। आज के लिए और कल और परसों के लिए ये वीडियो वैलिड है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।